हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। में कई जगहों पर अतिक्रमण आम लोगों के लिए मुश्किल बन चुका है और अतिक्रमण की वजह से आवाजाही लोगों के लिए मुश्किल हो चुकी है और मोती चौक, गोकल गेट और रेलवे रोड और के इसके साथ साथ काठ मंडी में 70 फीट चौड़े रोड पर लोगों ने अतिक्रमण किया है। सड़क को चलने लायक भी नहीं छोड़ा। अतिक्रमण के चलते यहां जाम की स्थिति बनी रहती है। लोगों ने नगर परिषद अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि जब भी टीम कार्रवाई के लिए आती है उससे पहले ही अतिक्रमणकारियों को पता चल जाता है और कार्रवाई वहीं खत्म हो जाती है। अब जो हमारे यहाँ आयुक्त आए हुए हैं तो शुरू में जब आयुक्त आए तो उनका बाजार में दौरा कराया था और बाजार का दौरा कराने से पहले म्युनिसिपल कमेटी के जो क्लर्क वगैरह हैं वो आके यहाँ पर सबको सूचित कर देते हैं कि भाई साहब का दौरा है और यहाँ से हटा लो, यहाँ से हटा लो, रास्ता साफ करा देते हैं और उनको मुआयना करा के ये दिखा देते हैं कि भाई जो है बाजार में अतिक्रमण कहीं नहीं है। ऐसी समस्याएं अक्सर लगभग शहरों में आती रहती हैं और नगर परिषद, नगर पालिकाएँ इन पर लगातार कार्रवाई करते रहते हैं, लेकिन ये रूटीन प्रक्रिया है, इसमें हम हटाते हैं, वो लगा लेते हैं और हम सामान भी जब्त करते हैं, जुर्माना भी लगाते हैं, उसके बाद ही उनका सामान छोड़ा जाता है। और पीछे भी अतिक्रमण अभियान चलाया गया था और आप द्वारा बताई गई स्थानों पर अब जल्द ही अतिक्रमण अभियान चलाया जाएगा।